अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजिटल स्किल्स SEO एक्सरसाइज नंबर 2। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका टोटल मार्क्स जो है वो ये 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है। उसकी जो आखिरी तारीख है वो है 18 अगस्त 2022। आपने ये असाइनमेंट जो है MS Word की फॉर्म में सबमिट करवाना है, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम क्या होगा इस असाइनमेंट के बाद, आप जो है कंटेंट में कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, और कंटेंट को देखते हुए आप लोगों ने कौन सी हेडिंग इसमें टाइप करनी है, ठीक है। और थ्रेड में जो है आप लोगों ने कंटेंट को देखते हुए इसका में जो इमेज है उसमें कौन सा कीवर्ड्स आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अज्यूम करें कि आपको एक SEO प्रोजेक्ट मिला है इंटरनेशनल क्लाइंट से, ठीक है। तो क्लाइंट भी चाह रहा है कि आप लोग कि आप जो है इसकी वेबसाइट देखें। आपने इसकी वेबसाइट देख ली, अब वेबसाइट देखने के बाद आपने देखा कि इसके जो है आप इसकी वेबसाइट SEO करना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो है उसका जो कंटेंट है वो SEO फ्रेंडली नहीं है। तो एज अ SEO प्रोजेक्ट आपको मिला है कि आपने उस वेबसाइट का कंटेंट जो है वो ऑप्टिमाइज करना है, जो कि सर्च इंजन गाइडलाइन के मुताबिक होना चाहिए। तो एज अ SEO स्पेशलिस्ट यू वांट टू द कंटेंट मस्ट बी ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। तो आपने उसके फोकस कीवर्ड्स को लिखते हुए आपने वो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। कंटेंट ऑप्टिमाइज करने के लिए आप लोगों को पता है कि कीवर्ड्स ज़रूरी होते हैं। कीवर्ड्स के जरिए हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपने कीवर्ड्स करने हैं, हेडिंग में भी आपका कीवर्ड्स होना चाहिए, द बॉडी ऑफ द कंटेंट एंड आउटर टेक्स्ट, ठीक है। इनको बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग को दो टास्क दिए गए इसके अंदर। पहला टास्क क्या है, पहला टास्क में वही कह रहे हैं टेक एन आर्टिकल ऑफ 100 to 150 words। आपने कोई भी आर्टिकल देना है ब्यूटी टिप्स पे, ठीक है, यानी कि ब्यूटी टिप्स पे ही आपका आर्टिकल होना चाहिए, और 10 words का आपका आर्टिकल होना चाहिए। बहुत कम वर्ड्स का दिया गया, यानी शॉर्ट आर्टिकल्स को होना चाहिए। फिर आपने करना क्या है, उस आर्टिकल की कॉपी कर लेनी है ताकि वो चेक कर सके कि आपने जो आपने नेट कॉपी पेस्ट किया आर्टिकल वो, और आपने जो असाइनमेंट सबमिट करा है उसमें क्या डिफरेंस है, तो इसके बिना भी वो चेक कर सकें, ठीक है। तो वो आपने लेना है, दो आर्टिकल्स लेने हैं, एक को आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना बटन में, और दूसरे पेज पे वो आर्टिकल पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसमें से आपने सेलेक्ट करना है जो उन्होंने टास्क दिया गया आगे। तो वही कह रहे हैं टास्क 3 में क्या करना है, आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट 2 keywords रिलेटेड टू ब्यूटी टिप्स, ठीक है। ब्यूटी टिप्स के सिनोनियम्स इसको कह लिया बनते हैं, कीवर्ड्स के रिलेटेड क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं वो आपने इसमें 2 keywords देने हैं। और नंबर 4 पे है टेक 1 image अकॉर्डिंग टू ब्यूटी टिप्स, ठीक है। ब्यूटी टिप्स रिलेटेड आपने नेट से कोई भी इमेज जो है वो डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, टास्क में जब आप कर लेंगे तो आगे आएंगे, आपने करना है क्रिएट द मेन हेडिंग ऑफ द आर्टिकल यूजिंग द मेन कीवर्ड। अब जो आप लोगों ने कीवर्ड सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने कोई जो आर्टिकल होगा उसका मेन हेडिंग बना दिया आपने, एक टास्क ये हो गया। दूसरा है यूज द सिलेक्टेड कीवर्ड्स इन द आर्टिकल 1% डेंसिटी, ठीक है। उसकी जो डेंसिटी होनी चाहिए वो 1% हो, यानी कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे एग्जांपल भी दी गया। नंबर 3 में कहना है क्रिएट द ऑल्ट टैग फॉर द इमेज कंटेनिंग यूज ऑफ प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। अब जो इमेज है आपने देखा होगा कि HTML का कोड लिखते हैं उसके अंदर ऑल्ट टैग होता है, वो किस लिए होता है, वो SEO के लिए होता है कि अगर वेब पेज लोड नहीं हो पाए तो आप उसके लिए कीवर्ड टैग कर लें, इसके ज़रिए वो गूगल देख लें हाँ इसके ज़रिए इस इमेज में ये कहा जा रहा है। तो हमने प्राइमरी कीवर्ड्स को देखते हुए उसमें ऑल्ट टैग भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर आखिर में क्या, आप लोगों ने सबमिट कर देनी है एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ये डिजिटल स्किल्स में SEO के लेक्चर्स में जाके वीडियो नंबर 64 देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टास्क नंबर 1 से। तो पहला ये कह रहा है कि आप लोगों ने टेक एन आर्टिकल ऑफ 100 से 150 words आपने नेट से सर्च कर लेना है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में, मैंने ऑलरेडी वर्ड में मैं कॉपी पेस्ट कर लिया है। गूगल पे आगे देखें, आप नेट पे जाएं, कोई से भी देखें यहाँ लिखा हुआ है, आप कोई भी नेट पे जाएं, सर्च करें आर्टिकल, मैंने यहाँ से उठा लिया पैराग्राफ, ठीक है। नेट पर सर्च करें वर्ड काउंटर्स, इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आपका 100 से 150 कीवर्ड्स यानी 100 से 150 words का आपका आर्टिकल होना चाहिए। तो मेरे कितना ज़्यादा 300 इतना सही है, कोई इशू नहीं, 300 भी ज़्यादा तो इतना इशू नहीं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से उठा लिया। अब क्या करना है, मेरा कॉपी ऑफ द आर्टिकल, मैंने क्या किया इसी को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ये मेरा हो गया काम। अब क्या कह रहे हैं, शॉर्टलिस्ट करने 2 keywords, ठीक है। हमने कोई 2 keywords इसमें शॉर्टलिस्ट करने हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये आर्टिकल से। अब देखें शॉर्टलिस्ट करने कीवर्ड्स, कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने की लिए करें पैराग्राफ उठाएं, कंट्रोल एफ प्रेस करें, एफ प्रेस करने का ये देखें मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया मर्चा लिंक, देखें कितनी मर्तबा ये आ रहा है, ध्यान नहीं कि हर पैराग्राफ में वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो ये हमने उठा लिया हमारे कीवर्ड्स, ठीक है। यानी कीवर्ड्स क्या, कीवर्ड्स इसका मेन
मेन कीवर्ड से आप एसईओ पर रैंक कर रहे हैं तो वो कीवर्ड्स आपने बार बार रिपीट करना होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1% 10-30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने सोच समझ के उठाना है, ये आपने उठा लिया, ये आपको हो गया एक कीवर्ड, और इसके अंदर दूसरा कीवर्ड क्या है मैंने सर्च किया, तो अभी आपको सर्च लगे अच्छा लगे आप कर लें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने स्किन लेकर, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी कीवर्ड जो आपको अच्छा लगे वो आप अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये दो वर्ड सर्च में तो मैंने ये उठा लिया, ठीक है। तो आपका टास्क क्या हो गया, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, आपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स भी यूज़ कर लिया, ठीक है, शॉर्टलिस्ट कर लिया आपने। अब आपने क्या करना है, टेक वन इमेज यूट्यूब टू, ठीक है। आपने क्या करना है, नेट पे आना है, एक इमेज उठा लेंगी, मैंने उठा ली एक इमेज लेके मैंने नेट से कॉपी करके पेस्ट कर ली यहाँ पे, ठीक है, ये वाला काम भी मेरा हो गया। अब टास्क टू में क्या कह रहे हैं, अब आपने करना है ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करनी है आपने, जो आपने टास्क वन में किया था, ठीक है। तो पहला क्या, क्रिएट द मेन हेडिंग फॉर द आर्टिकल यूजिंग द मेन कीवर्ड, ठीक है। अब मेरा मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पे देखा, मेरा मेन कीवर्ड है मॉइस्चराइज। अब मैंने क्या करना है, इस मॉइस्चराइज को देखते हुए मैंने हेडिंग बनानी है, तो देखें तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे हेडिंग, इमेज होगी हेडिंग, ठीक है। क्रिएट द मेन हेडिंग फॉर द आर्टिकल यूजिंग मेन कीवर्ड, मेरा मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पे मॉइस्चराइजर, ठीक है। अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मॉइस्चराइजर, ठीक है, आपने हेडिंग बना ली, ये हो गया आपका टास्क वन, यानी कि टास्क टू का क्वेश्चन नंबर वन का हो गया आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, मैंने यूजर सेलेक्टेड कीवर्ड्स इन द आर्टिकल विद 1% डेंसिटी, ठीक है। अब आपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स जो आपने सेलेक्ट किया है फॉर द आर्टिकल एक यानी 1% डेंसिटी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ज़्यादा रिपीट ना हो, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। आपने क्या करना है, क्रिएट द ऑल टैग फॉर द इमेज कंबाइनिंग योर प्राइमरी कीवर्ड्स, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग आपने ऑल्टर टैग बनाना है, ठीक है। तो ऑल्टर टैग मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, आप भी देख सकते हैं, ऑल्टर टैग मैंने लिख दिया है मॉइस्चराइजिंग स्किन, ठीक है, यानी कि HTML का मैं कोड लिखूंगा, उसके अंदर ऑल टैग इमेज डालूंगा, इमेज का लिख दूंगा ऑल टैग इज इक्वल टू मॉइस्चराइजिंग स्किन, यानी गूगल सब सर्च करते हैं अगर उसको इमेज नहीं मिलेगी समझ जाएगा मॉइस्चराइजिंग स्किन भी कोई यहाँ पे कोई इमेज है यहाँ पे, ठीक है। उस तरीके से आपने ऑल्टर टैग चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक्सरसाइज सबमिट कर लेना है, ये बहुत ही आसान असाइनमेंट है, तो इस तरीके से आप ये असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।